फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंडियन फूड खजाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही पौष्टिक, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर सुबह का हेल्दी नाश्ता। तो बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो चलिए आज उसका हल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सुपर टेस्टी, अमेजिंग और फटाफट से बन जाने वाली मिक्स वेज मूंग दाल चीला की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मूंग दाल ली है, जिसे अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लिया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन, साथ ही हम इसमें डालेंगे हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम घोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक मीडियम घोल तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, साथ ही हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। तो सब्जियों को आप अपनी चॉइस से यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मीडियम घोल तैयार करेंगे। अब यहाँ मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल से। इसके साथ ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और अब हम अपना चीला बनाएंगे। तो चीले को आप इस तरह से पैन के ऊपर फैला दें। चीले को आप अपनी चॉइस से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। अब कॉटन की हेल्प से हम चीले के चारों साइड इस तरह से तेल लगाएंगे और थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर लगाएंगे। और जब चीला एक साइड से सिक जाए तो इसे पलटते हुए हम दूसरी साइड सेकेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ मीडियम टू लो रखेंगे और इसे इस तरह चला अच्छे से हम सेक लेंगे। तो ये चीला हमारा अच्छे से सिक गया, इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरह से हम अपने बाकी के चीले तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने आसानी से बन जाते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी और हेल्दी हैं। तो इस तरह से हम अपने बाकी के चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम अपना चीला यहाँ सर्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट करके चुकंदर डाला है। तो इसे आप ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे सुबह नाश्ते में, लंच में या डिनर में कभी भी खा सकते हैं। और आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।